हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इंडियन मम्मी नेहा के चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। तो पहले सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप सब कैसे हो। हम सब तो बहुत अच्छे हैं। आई रियली होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अचानक से पापा दिख गए गाड़ी में, मम्मी भी दिख गई। तो हम लोग सब जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड, मैंने आपको इसके पहले ब्लॉग में बताया था कि मेरी फ्रेंड की शादी है, तो हम, मैं, मम्मी और पापा जा रहे हैं और माही। तो ड्राइवर भैया गए थे साथ में, सानू नहीं आया था, मतलब भाई। जिन लोग जुड़े हैं उनको मैं बता दे रही हूँ कि सानू मेरा भाई है और वो नहीं आया था, उसको कुछ काम हो गया था तो वो नहीं आया था। और हनी बाबू नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, यस बाबू गया है अपने पापा लोगों के साथ, अंबिकापुर गया हुआ है, तो 1 वीक के बाद वो आ जाएगा। फिर तो हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं मेरी फ्रेंड की हल्दी में। तो ये मेरी फ्रेंड है सुधा, फ्रेंड कम बहन, बहन कम फ्रेंड, जो भी बोल सकते हैं आप सब। तो हम लोग हॉस्टल में साथ में रहते थे, हम लोग एक रूममेट थे और हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। बहन पूरी मेरी बहन ही है ये। तो ये सब उसकी फैमिली फ्रेंड सब है, उसकी मम्मी, उसकी मौसी, मामी, उसकी फ्रेंड सब। उसकी फ्रेंड तो मेरे भी फ्रेंड बन गए हैं सब, और वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गए हैं। अभी बोलो डांस करेगी। तो ये सुधा यानी दुल्हन के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग डांस कर रहे हैं, बहुत सुंदर डांस कर रहे थे बच्चे। चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो बच्चों का डांस हो गया था, अब हमारा टर्न आ गया था। तो जो गाने पे डांस करते वो तो मैं कभी सुनी ही नहीं थी, ऐसी बहुत थोड़ा बहुत सुनी थी, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर भी मैं कर ली। तो आप लोग बताइएगा कि हमारा डांस आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुल्हन कैसी लगी हमारी और हमारा डांस भी कैसा लगा। और ना मैं ऐसे ही छोटा छोटा क्लिप से मैं दिखा पाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग गए नहीं थे। हम लोग को ना रात को रिटर्न आना था और मैं शादी भी बिल्कुल अटेंड नहीं कर पाई। बस गई हूँ शाम को, मतलब शादी थोड़ा लेट से हो रहा था तो हम लोग रिटर्न आ गए थे। फागुनी रो मोहनाए मनमता नो मोह आए, रोंगिनी बेहोर निसा को न कसे नी है चल, फागुनी रो मोहनाए। तो ये एक बिहू सॉन्ग है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं इस गाने पे हमेशा डांस करती हूँ। मैं अपनी शादी में, खुद की शादी में इतना डांस की थी। तो डांस करते करते देखिए हल्दी भी पहुँच गई है, और हल्दी का ना इन लोग मतलब पहले ही कर चुके थे थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं था। तो मतलब जो रिचुअल्स होते हैं हम लोग में थोड़ा डिफरेंट है, इन लोग में थोड़ा डिफरेंट है। और ठंड बहुत था और हल्दी आते आते 3 बज गया था, मीन्स उसको हल्दी 3 बजे हल्दी लगती, उसके बाद फिर वो मतलब नहाती, उसके बाद फिर वो पार्लर जाती, तो बहुत लेट हो जाता, इसलिए थोड़ा छोटा सा बस ऐसे ही कर दिए थे, बस हल्दी टच कर दिए थे उसको थोड़ा बहुत ही। और जो भी रिचुअल्स है वो लोग एक दिन पहले कर चुके थे, तो बाकी थोड़ा सा किए थे। थोड़ा सा हम लोग में डिफरेंट है, हम लोग में तो बहुत सारा नियम है,
मतलब बहुत अच्छे से फंक्शन होता है, पर इन लोग कोविड के कारण कोई आ भी नहीं रहा था, उतने लोग थे नहीं जो वो रिचुअल्स करते हम लोग। तो मैं हल्दी का वीडियो अलग से, मतलब पहले आपको हल्दी का ही वीडियो दिखा रही हूँ, और शादी का जो वीडियो है ना, हम लोग शादी अटेंड नहीं कर पाए थे, तो मतलब जो पार्टी था, मतलब शादी वाला, तो उसका वीडियो मैं आपको अलग से अपलोड करूँगी, क्योंकि फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं छोटा छोटा वीडियो ही ऐसे आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये उसकी हल्दी लग रही है। तो तीन जो सुहागिन है, वो उसकी मम्मी, उसकी मामी, उसकी मौसी, उन्हीं लोग लगाए थे, बाकी लोग नहीं लगाए थे, और ज़्यादा कोई रहा नहीं, बस मेरी मम्मी ही थी और बाकी उसकी फ्रेंड्स और मैं, हम ही लोग थे। तो फैमिली से ज़्यादा लोग नहीं आए थे, एक तो कोविड का कारण, सबसे बड़ा रीज़न कोविड ही है, जो वहाँ से नहीं आ पाया कोई भी। थोड़ा सा बुरा लग रहा था उन लोगों को, बट क्या करें, अब शादी भी ज़रूरी है, शादी पोस्टपोन होते 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 फिर एक डेढ़ साल बाद अभी हो रही है, तो अभी बोले कि हो गया, कोई आए चाहे ना आए, अब तो शादी करा ही देते हैं। और एक्चुअली लेट इतना हो रहा था, इसलिए कुछ उतना कुछ जो विधि होता है, जो नियम होता है, वो सब नहीं करे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 3:30 का टाइमिंग हो गया था उस टाइम। थोड़ा सा स्माइल, और फिर उसके बाद उसको नहाना था, फिर उसको पार्लर जाना था, तो पार्लर भी बहुत लेट हो गया था। तो पार्लर का टाइमिंग था 4:30 और ऑलरेडी 4 बज रहे थे, उसके बाद वो नहाती, तो फिर बहुत लेट हो गया था इस कारण। तो फिर तो ये सुधा के मम्मी पापा हैं, और ये इसका देवर है, और ये सबके फ्रेंड्स हैं। मैं आप लोग को पहले ही मिला ली थी, पहले ही।
तो कैसे लगा ये आपको हल्दी का वीडियो, शॉर्ट वीडियो और ये फोटोज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं शादी वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं इसकी शादी वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।